दलित एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महामंत्री वीर सिंह राणा एडवोकेट के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में दलित एकता मंच का स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर दलित एकता मंच के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन में दलित एकता मंच का स्थापना दिवस दलित एकता मंच के समस्त परिवार ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्थापना दिवस का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके एवं बुद्ध वंदना द्वारा किया गया। मंच के संस्थापक परिनिर्माण सुरेश गौतम एवं परिनिर्माण ओमकार सिंह दलित के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। दीप प्रज्वलित राम सिंह गौतम द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के सम्मानित राम सिंह गौतम द्वारा की गई तथा संचालन वीर सिंह राणा एडवोकेट द्वारा किया गया। इस मौके पर समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने शपथ ली कि दलित एकता मंच के नियमों को ध्यान में रखते हुए और बाबा साहब के आदर्शों को ध्यान में रखकर उन पर चलने का आह्वान किया गया। तो साथ ही शिक्षित बनो संगठित रहो के नारों के साथ कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर ओपी सागर, देवराज सिंह, प्रताप सिंह एडवोकेट, नरेश कुमार एडवोकेट, मंगल सेन, रीना सेन, चंद्रपाल गौतम, रणवीर सिंह, घनश्याम सिंह, चमन सिंह, डिंपल सागर आदि लोग उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम वीर सिंह राणा एडवोकेट है। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का सबका धन्यवाद देता हूँ। आपने कीमती समय में से दलित एकता मंच के स्थापना दिवस के लिए हमारे निवेदन पर आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज दलित एकता मंच का स्थापना दिवस के रूप में हमने जो है ये कार्यक्रम किया है। दलित एकता मंच परिवार ने दलित एकता मंच के स्थापना दिवस यानी 25वें वर्षगांठ को आप सबके सहयोग से, सभी साथियों का सहयोग रहा है, सभी कार्यकर्ता, सभी जिम्मेदार साथी, सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित दूरदराज से आए सभी लोग, आप सब पत्रकार लोगों का, महिला शक्ति का, सभी का सहयोग रहा है। आज हमने दलित एकता मंच का स्थापना दिवस मनाया है। आज स्थापना दिवस इसलिए और ज़रूरी था कि हमारे संगठन को जिन्होंने इस दलित एकता मंच की स्थापना की, जो हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने दलित एकता मंच के माध्यम से बाबा साहब के मिशन को और दलितों के उत्थान के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया, जो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा हमेशा। जो श्रद्धे सुरेश गौतम जी हैं, सुरेश गौतम जी को हमने नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बीच से अभी हमारे बीच से चले गए, उनका भी परिनिर्वाण हो गया, जो ओमकार सिंह दलित जी, वो भी समाज के लिए समर्पित रहे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, दलित उत्थान के लिए और दलित एकता मंच को जन जन तक पहुंचाने के लिए काफ़ी कार्य उन्होंने किया। लेकिन जल्दी ही ईश्वर ने उन्हें बुला लिया, भगवान ने उन्हें बुला लिया, खुदा ने उन्हें बुला लिया, लेकिन उनको हम स्थापना दिवस पर उनको भी नमन किया है। ये दलित एकता मंच की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम। हमारे बीच सभी साथियों का सहयोग रहा है और हम दलित एकता मंच के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को, दलित एकता मंच के उद्देश्य को, दलित उत्थान के कार्य को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे पर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम दलित एकता मंच के माध्यम से पूरे देश में जन जन तक दलित एकता मंच के मिशन को पहुंचाएंगे और दलितों को उत्थान के लिए कार्य करेंगे।